हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने रूम में और हो गए हैं स्विमिंग के लिए रेडी। पहले मैं आप लोगों को अपने रूम का टूर करा देती हूँ, कैसा रूम है, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ सबसे। ये है यहाँ का रिसेप्शन इस होटल का जिसमें हम स्टे कर रहे हैं, और रिसेप्शन जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत ही बड़ा होटल है। अभी फ़िलहाल के लिए हमें रूम की कीज़ मिल गई हैं तो हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। मैं दिखाती हूँ कैसा रूम है और क्या है, जैसा भी होगा। और ये है कॉमन वाला स्विमिंग पूल जो सब यूज़ कोई भी यूज़ कर सकता है आई थिंक। हाँ, ये कॉमन वाला है और ये इधर शायद बच्चों का है, और ये वो वाले रूम्स हैं जो स्विमिंग पूल से कनेक्टेड हैं। ऊपर चलना है क्या, कौन से फ्लोर? हाँ, अच्छा, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे, इनके सेकंड फ्लोर पे हैं, दोनों के सेकंड पे है आपका, सेकंड पे होगा ना ये हमारा 1201। कौन बोल रहा है? नहीं, टू टू करके है ना, ऊपर होगा। चलो तो ये है हमारा रूम, एंड चलो हमारा रूम यही है बेटा। इसका मैं आपको एक लुक दे देती हूँ पहले, एंटर करते ही इस तरीके से है बना हुआ। एंड शूज़ नीचे रिमूव करो, ये गीला कैसे है? अच्छा, अभी करके गए हैं क्या? तो ये कुछ इस तरीके का रूम है, और ये है वॉशरूम इसका। वॉशरूम जो है वो मुझे अच्छा पार्ट लग रहा है, इस तरीके से है यहाँ पे। ये बाथिंग एरिया अलग से है, इधर टब है, और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसमें वॉशरूम का एक है कि वॉशरूम जो है वो बिल्कुल जस्ट बेड के सामने है। नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे वॉशरूम का गेट होता है। और अलमीरा भी इसमें इस तरीके की है, मतलब बाहर का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। ये है बाथरूम्स, और इधर अलमीरा की स्पेस नहीं समझ में आई यार मुझे, अलमीरा नाम का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम सामान हाँ इसी पे फैला के छोड़ दो, सामान है ना। क्या नहीं, ये तो इन्होंने वैसे वो कुछ रखना हो ना, चाय कॉफी वगैरह, उसके लिए बना रखा है। ये टीवी लगा हुआ हाँ यहाँ पे, लेकिन सोफा सिंगल है। फिर यहाँ पे अगर मैं बालकनी दिखाऊं तो बालकनी कुछ ऐसी है, स्विमिंग पूल वाला व्यू है यहाँ से बालकनी में से, यहाँ से नीचे से मैंने अभी आपको दिखाए थे स्विमिंग पूल। तो ये पूरा इस तरीके का होटल है। एक पोर्शन उधर है, वहाँ पे अलग से स्विमिंग पूल है उधर वाले लोगों के लिए, और एक पोर्शन ये है यहाँ पे अलग से स्विमिंग पूल है इधर वाले लोगों के लिए। और एन वो वाला है बच्चों का स्विमिंग पूल, वो रहा सामने छोटा सा। और उधर का अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो वो स्विमिंग पूल है अलग से। तो ये आ गए हैं सब लोग रेडी हो गए अपने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहन के सब हो गए रेडी, चश्मे लगा के। चलो बंद तो करो। हाँ क्या, अच्छा चलो। अयान आपने गॉगल्स ले लिए अपने? ये अयान की और पीहू की वो है स्विमिंग ट्यूब्स। और अब हम लोग चल रहे हैं नीचे। क्रॉक्स पहनो अयान अपने। कैंडी किस किस को चाहिए कैंडी? अर्चना इस ड्रॉर में ओपन करो, यहाँ पे लाके मैंने सारा सामान जचा दिया है। ओपन करके ले लो एक एक कैंडी। आपको चाहिए टॉफी? चाहिए नहीं, लो पीहू मम्मा से ले लो, फाड़ लो ना इसको और अच्छे से फाड़ लो, थोड़ा सा उसके लिए भी ले लेना, परी के लिए भी बस अब पूजा के लिए ले ली, रोहित पूजा है, ले लो चार पांच ले लो ना बस। चलो चलो लॉक। अरे अरे अयान 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 इधर आओ, सनस्क्रीन नहीं लगाया, एक सेकंड इधर आओ। कहाँ लहराते बल खाते चल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो गया, इधर क्यों जा रहे? ये कछुआ इतना बड़ा कैसे पड़ा इसमें? अच्छा नकली है, असली सा लग रहा है। हाँ फिश तो है यार, असली फिश तो है इसमें। ये रही कितनी सारी, अयान देखो फिश दिखाऊं, कहाँ गया अयान, इधर आओ, ये देखो कितनी सारी फिश है, रियल फिश है ये, दिखी अच्छी है ना? और लेकिन ये टॉर्टोइज नकली है बेटा, उस वाले स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, इसमें नहीं जा रहे, इधर वाला गहरा ज्यादा है तो इसलिए इधर जा रहे हैं। चलो 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 उधर से चलेंगे, चलो गिर मत जाना बेटा दोबारा। अब
ठीक है, आराम आराम से चलो। वाओ, सो मैनी फिशेस। बच्चों का तो मेरे को लग रहा है उस साइड है, हैं? हाँ, ये तो इतना गहरा नहीं है, इसमें तो चल जाएगा। बच्चे उधर भी खेल रहे हैं, इधर भी खेल सकते हैं वैसे आराम से। आयान रुको, आपकी टी शर्ट निकालूंगी, रुक जाओ। अरे अर्चना, आयान के गॉगल्स हैं क्या आपके पास? तो आयान छोड़ा है रूम में। बेटा इतना गहरा नहीं है, ये डर क्यों रहे हो, इतना गहरा थोड़ी है। अच्छा, लेकिन ट्यूब में है ना, ट्यूब में डूबेगा थोड़ी। आयान आयान आराम से इंजॉय करो, आयान आराम से इंजॉय। बेटा शाउट करने की जरूरत नहीं, आराम से इंजॉय करो, सीधे होके इंजॉय करो, सीधे हो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, स्विमिंग करो। अर्चना जा रही है। अच्छा, ठंडा है क्या? ठंडा है, एक बार घुस के देखो, अगर मतलब आप ठीक आते हो तो फिर आ जाती हूँ मैं भी। हाँ, खड़े होके चल सकते हैं ना, उधर ज्यादा डीप होगा आई थिंक। आराम से आराम से, अर्चना आराम से, उधर से आओ, उधर से वापस निकलो। तो बच्चों की हो गई है पार्टी स्टार्ट। जूस परी पीहू, किस किस के जूस लिए हुए आपने? एक परी का और एक पीहू। हाँ, और आयान का कहाँ है? आयान का आंटी के पास है, ले लो आंटी से पियो। तो यहाँ स्विमिंग पूल से थोड़ा सा आगे जाके कुछ राइड्स भी हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहीं होटल में ही अवेलेबल हैं वो राइड्स, तो उन राइड्स को भी दिखाएंगे, मज़ा आएगा उन राइड्स पे भी। चलते हैं राइड्स की तरफ, और पहले मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ कि किस तरीके की राइड्स हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ के है। आयान रुक जाओ, आप अकेले कैसे जा रहे हो? आयान ये राइड्स हैं, ये वाली सारी राइड्स हैं यहाँ पे। आयान चलो, कम ऑन, आयान आ रहा है, 1 2 3 ये। आयान क्या हो गया, आयान क्या हो गया, उस आयान क्या हुआ, डूब गया? मजा आया पीहू आपका? पीहू आपका जूस? अच्छा, तो मैं इधर रख देती हूँ। यार ये कितना गहरा है पूजा? जितना इतना ही है, तो फिर तो स्लाइड से आराम से ज्यादा है। पूजा आई थी क्या? अर्चना आ रही है, अर्चना डेयर दिखा रही है। अर्चना आ जाओ, ये देखो लोकेश कैसे खड़े हैं, आ जाओ। एक बार में सीधे लोकेश के पार। चलो 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 अर्चना, चलो ना एक बार आओ यार। वहाँ कौन जा रहा है बड़ी वाली स्लाइड में? अरे कौन जा रहा है बड़ी वाली स्लाइड में? लोकेश, आयान तू आगे हो जा, आगे हो जा बेटा। आयान आपको नहीं जाना वहाँ पे, हम डर गए कि दो दो को कैसे पकड़ूंगा। छोड़ दो परी को, ये अब हट जाओ, रोहित को आन दो। रोहित का तगड़ा था, लग गई रोहित को। लोकेश और आयान आएंगे अब उधर से, ऊपर से हैं? आ रहे, पहले आयान को पकड़ लेना भाई, सुन रहे हो अमन? हाँ, आयान को पकड़ लेना, आयान आएगा ऊपर से। अच्छा, दोनों एक साथ आ रहे हैं, आ जाओ, हटे हुए हैं सब। बड़ी ऊंची वाली स्लाइड से आ रहे हैं ये दोनों। लोकेश अपनी शायद गोदी में बिठा के ला रहे हैं आयान को।
बैठ के तो कुछ नहीं दिख रहा, खड़े होके लोकेश रगड़ ही नहीं पा रहा, फिसल ही नहीं पा रहा, धक्के मार मार के फिसल के आ रहे हैं। और आयान ये कब में हो गया? आयान घबरा गया, आयान लगी तो नहीं है बेटा, तगड़ी स्लाइड थी, मजा आया। अच्छा बस हो गया, बस हो गया। अरे बस। मैंने थोड़ी देर पहले तो वहां पे देखा, मेरे को लगा आ ही नहीं रहे। क्या धक्के मार रहे हो जाता यार। हाँ बस आयान हो गया, हो गया, हो गया, आ गया मजा। ट्यूब कहाँ है आपकी? इसकी ट्यूब कहाँ गई? वो पड़ी ऊपर। अब पूजा गई है ऊपर। पूजा आ जाओ, आओ पूजा आओ। लेकिन पूजा पूरी ऊपर से नीचे तक डोल गई। अब आ गई है रोहित की बारी। रोहित आ जाओ, रोहित 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 इधर इधर हिल गया भाई। हाँ तो यार ये थोड़ा, ये ना थोड़ा सा वो होता है ना, जब भी आते ना हाथ ऊपर होने की है, नहीं हाथ में प्रगति अगर अपने यूं रखे ना तो मेरी भी वहीं ग्रीन रगड़ गई है। बात हो गया, चलो वो छोटी वाली राइड है, नीली वाली वो रह गई, मैं तो उसी में कर सकती हूँ, उसके अलावा मेरे में दम नहीं है करने का। अरे नहीं वो अच्छा है उसमें करने में। वापस जा रहे हैं अब रूम की तरफ, बच्चे तीनों परेशान हो गए हैं। वैसे इनका तो मन नहीं था जाने का, पर हम लेके जा रहे हैं इनको। चलो अब यहाँ क्यों रुक रहे हो, क्या हो गया है? तो स्विमिंग पूल से आने के बाद हम लोग सब नहा लिए हैं, वो अमन लेटे हुए हैं और अयान को सुला दिया क्योंकि ये थक गया था बहुत ज़्यादा। और बाहर का मौसम इतना अच्छा हो गया, जैसे ही मैं नहा के निकली तो मैंने देखा बाहर इतना अच्छा मौसम हो रखा है। और अभी जो वॉशरूम है उसमें एक भैया वो क्लीनिंग कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ना उसमें कुछ फंस गया तो उसमें पानी घुसे जा रहा था, मतलब रुके जा रहा था, तो हमने बुलाया था। मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ कैसा व्यू है। बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है फ़िलहाल के लिए, बिल्कुल एकदम बारिश वाला मौसम हो रखा है। मैं जैसे नहा के बाहर कपड़े सुखाने आई तो देखा, अरे वाह बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो वहाँ पर सामने है लोकेशर का रूम वो वाला, और इधर है रोहित का रूम ये वाला। तो अभी डिसाइड किया कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अरे बारिश आ रही है, बारिश आ गई है। तो अभी हमने डिसाइड किया थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए। बट ये तो बारिश आ गई, अभी मैं प्लान पूछती हूँ क्या प्लान है। बारिश आने लग गई है तो बहुत बड़ा होटल है ये, इसी तरीके के ना इसके काफ़ी सारे पोर्शंस हैं। मैं एक सेकेंड बात करती हूँ पहले। सुनो अमन, बाहर तो बारिश आ गई, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे बारिश में? यार भीग नहीं जाएंगे बिल्कुल, बारिश होगी तो भीगेंगे। अरे तो मतलब फिर कैसे मैनेज करेंगे? बारिश है, हल्की हल्की बौछार है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है। वैसे भी अभी तो 6 बजे के करीब जाना है ना, तो रेस्ट कर रहे हैं ना थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो बाहर अभी हल्की हल्की सी बौछार सी हो रही है। प्रॉपर बारिश अगर तेज आई तो फिर तो नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि फिर अयान को ले जाना बेकार है। और सब लोग बारिश में भी नहा रहे हैं और स्विमिंग पूल में भी नहा रहे हैं।